होटल इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटेलियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वाइन बनती कैसे है, राइट? उसके जो बेसिक्स हैं क्या हैं, और जो आपके बार में आपके एक वाइन की बॉटल है उसको बनने में कौन कौन से स्टेप से होके उसको गुजारना पड़ता है। सो इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ गया हूं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइज, होप यू गाइज डूइंग वेरी वेल। देखिए, वाइन पीना अभी के समय में एक ट्रेडिशन सा बन चुका है। सो हमको पता होना चाहिए कि वाइन कैसे बनता है, उसके कुछ बेसिक्स, राइट? उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होके गुजरती है एक वाइन की बॉटल जो आपके बार में रखी हुई है, वो कैसे बन के आती है। सो थोड़ा सा बेसिक हमको पता होना चाहिए, और आज इसी बेसिक की जानकारी लेके आप लोग के लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों देखिए, वाइन के बारे में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो सिंपल से एक बार समझते हैं। वाइन एक फर्मेंटेशन की विधि से बनने वाली एक अल्कोहलिक बेवरेज है, राइट? बट यहां पर आप ये मत समझिए कि अल्कोहलिक बेवरेज है, मतलब कि आप इसको अल्कोहल की तरह कंज्यूम मत कीजिए, बिकॉज जो वाइन प्रोसेस है बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और इसको बनाने में इसको जो आपके वाइन यार्ड्स हैं वहां पर बहुत मेहनत की जाती है। सो आप इसको एक लिक्योर की तरह आप कंज्यूम करना वाइन की इंसल्ट अगर मैं कहूं तो ऐसा होगा, राइट? अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि वाइन एक फर्मेंटेड बेवरेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और अगर आप ये आपके माइंड में फर्मेंटेशन जो आपके वर्ड निकला उसके बारे में जानना है तो आई हुए कार्ट में और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बारे में आसानी से और सरल भाषा में आपको सीखने को मिलेगा, राइट? देखिए, फर्मेंटेशन की विधि से कौन कौन से हमारे अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं, वाइन, पेरी, साइडर, राइट, बियर और साके, ये जो कुछ आइटम्स हैं जो आपके मैं अभी नाम ले रहा हूं। और बहुत सारे बेवरेजेज हैं जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनते हैं, राइट? जिसमें कि मैंने दो चार लोगों का ये नाम लिया है, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं वाइन के बारे में। अब देखिए, वाइन के भी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं, जिसमें कि आपके आते हैं स्टील वाइन। स्टील वाइन में आती है हमारी कौन कौन सी वाइन आती है, रेड वाइन, व्हाइट वाइन और रोजे वाइन। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्टिफाइड वाइन, स्पार्कलिंग वाइन और अरोमेटाइज वाइन। इसके बारे में हम बात और दूसरे वीडियोस में करेंगे अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो। अभी पहले बात करते हैं हम आपके स्टील वाइन के बारे में। आज इस स्टील वाइन के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को कि आपके रेड वाइन कैसे बनती है, व्हाइट वाइन कैसे बनती है, बट रोजे वाइन का एक अलग सा टॉपिक लेंगे कि उसके लिए भी कैसे बनती है रोजे वाइन और क्या है एग्जैक्टली में, राइट? सबसे पहला स्टेप आता है हमारा वाइन मेकिंग में हार्वेस्टिंग। ये एक टेक्निकल टर्म्स है, जो टेक्निकल वर्ड बोल सकता हूं मैं इसको, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब अगर मैं इसको इजी सी वे में समझाऊं, सिंपल वे में समझाऊं, कि आप जो ग्रेप्स के खेत हैं वहां पर जाते हैं, वहां पर से ग्रेप्स लेके आते हैं अपने यहां पर स्टोर के लिए, राइट? इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के भी यहां पर दो टर्म्स हैं कि दो तरीके हैं उसको, जो हमारे अंगूर हैं, जो हमारे जो ग्रेप्स हैं उसको लेके आने के। पहला है मशीन द्वारा और दूसरा है आपके हैंड, जो आपके आप जाके खुद अपने हाथों से उनको लेके आए। इसमें मशीन द्वारा क्यों नहीं किया जाता है इसको, बिकॉज अगर हम हार्वेस्टिंग मशीन से करते हैं, राइट, तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारे ग्रेप्स हैं उसको डैमेज होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। बिकॉज देखिए, जो वाइन मेकिंग प्रोसेस है ना, वाइन के जो हमारे जो ग्रेप्स हैं उसके लिए जो वेदर का अनुकूल होना, अगर मैं कहूँ कि वेदर का टेम्परेचर और वेदर का, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक वाइन मेकिंग प्रोसेस के लिए, वाइन के जो हमारे ग्रेप्स हैं। सो इसीलिए उसको अगर वहाँ पर वो डैमेज होते हैं हमारे जो ग्रेप्स हैं, सो वहाँ पर वाइन के टेस्ट में, अरोमा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट? इसीलिए इसको हैंड पिक करके, हैंड से बहुत ही सावधानी से इसको लेके आया जाता है। आई होप दोस्तों ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया क्योंकि हार्वेस्टिंग क्या है, राइट? अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो आता है आपका क्रशिंग। जैसे आपके हमारे ग्रेप्स आ गए, राइट, उसके बाद उसको क्रशिंग किया जाता है। क्रशिंग की एक इतना क्रशिंग किया जाता है कि उसके वहां पर से जो हमारे ग्रेप्स हैं फूटने से उसके हल्के से जो उसका जूस है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। आपने कोई मूवीज में देखा होगा कि बैरल के अंदर लोग खड़े होके उसको पैरों से उसकी क्रशिंग करते हैं, राइट? अगर यहां पर आपके पैरों में से ब्लड निकलना चालू हो गया और वही ब्लड जाके आपके वाइन में मिलता है, सो यहां पर इसको हटा दिया गया है इसके फुट को कि आप अपने पैरों से इसको क्रश करें, तो इसके लिए मशीन यूज की जाती है, राइट? ये दूसरा स्टेप हो गया आपके लिए कि पहले स्टेप में आपने सीखा हार्वेस्टिंग, दूसरे में हमने क्या करना है, इसको क्रशिंग, जिससे कि वो अपना हल्का सा जूस निकालना, जूस निकलना वहां पर से स्टार्ट हो जाए, राइट?
अब आता है दोस्तों आपका तीसरा स्टेप, जिसमें कि हमको वाइन उसकी ग्रेप्स को प्रेसिंग के लिए लेके जाना है। प्रेसिंग कैसे होती है आपकी? बाय मशीन। प्रेसिंग सिर्फ मशीन से ही की जा सकती है, बिकॉज हमको प्रेसिंग की वजह से जो हमको सारा जूस निकालना है ग्रेप्स का, राइट। और जो ये जूस आता है, अगर उसको मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूं तो इसको मस्ट कहा जाता है, कि आपका ग्रेप मस्ट, राइट। ग्रेप जूस की जगह ग्रेप मस्ट, जो कि आपका है ग्रेप जूस ही, बट उसको टेक्निकल टर्म्स में ग्रेप मस्ट कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्मेंटेशन का, जिससे कहा कि आपका फर्मेंटेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा, आपका यीस्ट प्लस सुगर इक्वल टू एल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और जो वाइन मेकिंग में आपका यीस्ट यूज होता है उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसियस, राइट। जो ये आपका यीस्ट यूज होता है, गाइस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया काम कैसे करती है, सुगर प्लस यीस्ट को मिलने के बाद क्या होता है। देखिए, जो आपकी यीस्ट है वो सुगर को अपने में कन्वर्ट कर लेती है, राइट, जिससे कि आपका जो यीस्ट है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके जो यीस्ट है वो कहां जाएगा, वो लीज में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका लीज आपने देखा होगा ना वाइन में, जो व्हाइट व्हाइट की कभी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े वाइनरी हैं वहां पर वाइन में जो उसके ऊपर से लेयर आ जाती है, बबल्स आ जाते हैं व्हाइट व्हाइट से, उसको बोलते हैं लीज, जो कि एक एक्चुअल में ईस्ट है, राइट। सो ये हो गया आपका वाइन रेडी। बट यहां पर क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर देखिए किसी को भी एक बबल्स के साथ में अगर हम किसी को वाइन सर्व करेंगे तो वो पिएगा कि कोई भी नहीं पिएगा, बिकॉज वो देखने में ही एक अच्छा नहीं लगता उसका लुक। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लियरिफाई करते हैं। वाइन क्लियर करने के लिए भी दो तरीके हैं, जिसका पहला है आपका फिल्टर, आप उसको एक बड़े से किसी कपड़े से उसको छान देते हैं, उसके ऊपर से वाइन डालेंगे, ऊपर से आपका लीज निकल जाएगा और नीचे आपकी वाइन आ जाएगी। बट ये बहुत पुराना तरीका है, और जो नया तरीका है वो है आपका फिनिंग। मैंने शायद दूसरे वीडियोज में, जो मैंने वाइन की वीडियोज बनाई थी आपके लिए, उसमें पहले भी जिक्र किया है इसका कि फिनिंग्स क्या होते हैं। फिनिंग एक क्लीनिंग एजेंट है, जिससे कि आपको वाइन में अगर इसको मिक्स करते हैं तो आपका जो जितना भी बबल्स है, जितना भी लीज है, इसको क्लियर कर देता है, वाइन से हटा देता है, राइट। देखिए दोस्तों, आपका यहां पर वाइन रेडी हो चुका है, पूरा पूरा रेडी हो चुका है। बट यहां पर क्या बोलते हैं कि आपको एज करना है इस वाइन को। क्यों करना है एज करना है? इसके एरोमा, इसके टेस्ट और इसके फ्लेवर के लिए, राइट। अगर इसको हम एज नहीं करते हैं तो इसमें जो ये फ्लेवर, एरोमा, टेस्ट वगैरह नहीं आता है। अब इसको मैं और साधारण से भाषा में समझाऊं तो, कि आपको जितना आप सबर का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, यही सीन है यहां पर भी, कि आप अगर वाइन बनने के बाद इसको सबर करते हैं, रखते हैं इसको कुछ टाइम के लिए एज होने के लिए, तो इसमें आपको दुगना टेस्ट मिलता है, अरोमा मिलता है, इसमें फ्लेवर मिलता है, जिससे कि वाइन एक क्वालिटी वाली वाइन बनती है इस एज की वजह से। एज कैसे करते हैं? पहला प्रोसेस है आपका बॉटलिंग। अब इसको बॉटल में पैक कीजिए और इसको एक करने रख दीजिए, बट इसमें इतना फ्लेवर नहीं आएगा, इतना टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा है इसमें आपका बैरल्स, जिसको कि ओक से बने होते हैं, ये ओक बैरल्स में हम इसको एज करने के लिए रखते हैं, राइट। इसमें क्या होता है आपका, जो हमारे ओक बैरल्स हैं उसमें ऑक्सीजन, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जो वाइन मेकिंग प्रोसेस है इसमें आपका वेदर का, एटमोसफेयर का, टेम्परेचर का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए हम इसको ओक बैरल में रखते हैं, जिससे कि आपका जो बाहर की ऑक्सीजन है इससे घुल मिल पाए आपकी वाइन से, जिससे कि आपको बहुत प्यारा सा अरोमा, टेस्ट, फ्लेवर मिले वाइन के अंदर। देखिए, जब हमारे पास ये वाइन एज हो गई, हमारे पास पूरा फ्लेवर आ गया, इसमें टेस्ट आ गया, तो इसके बाद हम इसको पैक करके बॉटल में लेबल लगा के मार्केट में सेल कर देते हैं, और वही वाइन हमारे पास आती है हमारे बार्स में। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है इसको बनाने का। सो देखिए, यहां पर हमने वाइन बेचना ही नहीं है, उसके बारे में हमको पता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके व्हाइट वाइन कैसे बनते हैं। व्हाइट वाइन और रेड वाइन का, दोनों का प्रोसेस सेम है, ध्यान से सुनेगा, दोनों का प्रोसेस सेम है। उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, उसके बाद करते हैं क्रशिंग, क्रशिंग के बाद हम उसके बाद आती है प्रेसिंग, उसके बाद आती है आपकी क्या आता है आपका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद आता है आपका क्लेरिफिकेशन, उसको क्लियर करना जो है, उसके बाद आता है एज, उसके बाद आता है बॉटलिंग। सेम प्रोसेस आपका आता है व्हाइट वाइन के साथ में, बट व्हाइट वाइन आप कैसे बनता है, व्हाइट वाइन में जब हम उसको प्रेसिंग करते हैं ना, तो वहां पर उसका जो पल्प है उसको, पल्पों को ले लेते हैं और जो उसका बाहर का कवर है, स्किन है, उसको हटा देते हैं। सेम आपकी व्हाइट वाइन, व्हाइट ग्रेप से व्हाइट वाइन बनती है, रेड ग्रेप से रेड वाइन बनती है, बट रेड ग्रेप से भी व्हाइट वाइन बनती है। अब आप बोलेंगे व्हाट मिस्टर विक्रम, या व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, कि यार व्हाइट रेड ग्रेप से व्हाइट वाइन कैसे बन सकती है। बन सकती है, बट वहां पर इसका जो कवर है
उसको जो बाहर का स्किन है अगर हम उसको निकाल देते हैं तो वहां पर सिर्फ पल्प पल्प बचता है, अब उसको हम प्रेस करेंगे तो उसमें से जूस निकलेगा व्हाइट, सो व्हाइट वाइन बनेगी, राइट। तो यही है इसका बीज का कि व्हाइट वाइन और रेड वाइन के डिफरेंस सिर्फ इतना ही कि उसमें स्किन यूज होता है रेड वाइन में और व्हाइट वाइन में स्किन यूज नहीं होता है। अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी वहां पर से वाइन टूर ले लिया होगा, बट अगर आप लोग अभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो उनको वाइन टूर थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। सो इस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाइन के बारे में जानना चाहते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया अगर आप लोगों की वाइन टूर के कुछ यादें ताजा हो गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दे इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर सुझाव सजेशन है कुछ आप लोगों के तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, टाटा बाय।